अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबा दें। हाय डियर फ्रेंड्स, एचबी ऑनलाइन क्लासेस में अपन अभी असाइनमेंट परीक्षा के बारे में बताने जा रहे हैं। कक्षा 12वीं के सभी विषय के असाइनमेंट आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महीने के फरवरी, मार्च और अप्रैल हर महीने के 25 तारीख को असाइनमेंट दिया जाता है। इनमें से विद्यार्थियों को 3 असाइनमेंट में से 2 असाइनमेंट अनिवार्य रूप से जमा करना है, ठीक है। इसी के बारे में कुछ जानकारियां देना चाहता हूं असाइनमेंट के बारे में, क्योंकि अभी जो है प्रमोशन का दौर चल रहा है छत्तीसगढ़ में, है ना। विद्यार्थियों को 10वीं वाले को प्रमोशन दिया गया है, सीजी बोर्ड वालों को, ओपन बोर्ड वालों का अभी तक डिसाइडेड नहीं है, है ना। इसमें कुछ खास जानकारियां देने जा रहा हूँ, इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। जिन लोग नए विद्यार्थी, जिन्होंने अभी फॉर्म भरा है अप्रैल में या मार्च महीने में और असाइनमेंट जमा नहीं किए हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण सूचना है, तो देखते जाइए वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। निम्नलिखित विषय कक्षा 12वीं के मेरे चैनल पर अपलोड होगा क्वेश्चन पेपर, ये जो है 25 अप्रैल को आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे विषय का आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन और आंसर दोनों मिलेगा आपको, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन, जीव विज्ञान, लेखांकन, व्यवसाय अध्ययन, अर्थशास्त्र, राजनीति, इतिहास, भूगोल और गृह विज्ञान, ये सारे विषय के क्वेश्चन पेपर आंसर आपको इसी वीडियो में मिलेगा, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं कुछ जानकारियों के साथ। देखिए, जानकारी ये है प्रवेश पत्र जो है 10 मई से 18 मई को मिलेगा दोस्तों। पेपर होना है या नहीं होना है वो तो बाद में डिसाइड होगा, लेकिन आपको प्रवेश पत्र बिल्कुल मिलेगा 10 से 18 मई के बीच। बहुत बच्चे ने कमेंट किया था कि इसकी जानकारी नहीं दी गई है, तो मैंने जानकारी दे दिया। लॉकडाउन के बाद असाइनमेंट, जब कई बच्चे कमेंट किए हैं कि सर हमारा असाइनमेंट जमा ही नहीं लिए, लॉकडाउन है, स्कूल गए तो स्कूल बंद था या 1 बजे तक खुला था, ऐसा करके बोल रहे थे, तो इसलिए इसकी जानकारी दे रहा हूँ। आप जो है जो भी असाइनमेंट आपने बनाया, चाहे फरवरी का बनाया हो चाहे मार्च का बनाया हो, उसका आप लोगों को, है ना, लॉकडाउन के बाद आप जमा कर सकते हैं। नए विद्यार्थी फरवरी, मार्च, अप्रैल का असाइनमेंट एक साथ जमा कर सकते हैं। अब जो नए विद्यार्थी एक भी असाइनमेंट नहीं जमा किए हैं, वे बिल्कुल असाइनमेंट जमा कर दिए, अन्यथा आपका प्रमोशन के समय यदि आपको पास करने का या प्रमोशन होगा तो उस समय आपको नंबर नहीं मिलेगा। किस आधार पर आपको पास किया जाएगा, क्योंकि आपने तो असाइनमेंट जमा नहीं किया। तो जो भी नए विद्यार्थी जो फॉर्म अभी भरे होंगे अप्रैल महीने में, वो इन लोग भी कम से कम 2 असाइनमेंट बिल्कुल जमा कर दिए। और जनरल प्रमोशन होने की संभावना है दोस्तों, एक वीडियो मैंने इसके पहले बनाया है, उसको देखिएगा ज़रूर। इसका लिंक जो है मैं ऊपर भी दे दूंगा। यहाँ पर फ्रंट पेज सही जानकारी दी, थोड़ा फ्रंट पेज के बारे में बता देता हूँ। देखिए डियर फ्रेंड्स, ये फ्रंट पेज है असाइनमेंट 3, मार्च अप्रैल, विद्यार्थी का नाम, हिंदी माध्यम, पिता का नाम, माता का नाम, ये सारे चीज़ को आपको ऐसा आप पेन से भी लिख सकते हैं दोस्तों, प्रिंट आउट निकलवाना जरूरी नहीं है। सारे चीज़ को आपको पेन से जानकारी देना है। जो नए विद्यार्थी होंगे उन्हीं के लिए खासकर इसको दिखा रहा हूँ। इंग्लिश मीडियम, यदि कोई इंग्लिश मीडियम से फॉर्म भरे हैं तो इस प्रकार से असाइनमेंट 3, मंथ का नाम, इंग्लिश मीडियम, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, क्लास रोल नंबर, सब्जेक्ट कोड, मोबाइल नंबर और नीचे हस्ताक्षर कर देंगे। और ये जो अप्रैल 25 को जो असाइनमेंट आएगा, इसको आपको अगले महीने के 10 मई के पहले जमा करना है। यदि किसी कारणवश स्कूल बंद रहा तो आप जो है स्कूल ओपन हो जाने के बाद, खुल जाने के बाद जाकर जमा कर सकते हैं। यानी नए विद्यार्थियों को कोई भी 2 असाइनमेंट कोई भी 2 महीने का जमा करना अनिवार्य है, है ना। और मैं कहता हूँ कि आप सारे जो 3 असाइनमेंट है दोस्तों, 3 को जमा कर दीजिए, क्योंकि बाद में जनरल प्रमोशन के समय कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अपने को कॉपी में लिखकर, पन्ने में लिखकर तो देना है 5 विषय का, तो आप लोग बिल्कुल इसको लगाकर दे दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।